गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। एक ही आंकड़ा से माध्य और बहुलक कैसे निकाला जाता है वो इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो हम बताएंगे आज बिल्कुल आसान विधि से बनाएंगे। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपका बेसिक कंसेप्ट इस प्रकार बनेगा जो कि अदर सवाल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है और ये NCERT मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 14.2 का 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको इस सवाल को एक बार हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों से बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ये आंकड़ा से बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। आंकड़ा आपको दिया हुआ है प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ, ये यहाँ तक आपका सवाल हुआ और इसमें पूछा जा रहा है कि आप बहुलक निकालेंगे और माध्य निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक सवाल में इसका भी काम आएगा, तो हम यहाँ से आंसर स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्योंकि इसका काम आ जाएगा तो ले लेते हैं स्पेस की वजह से। यहाँ से हल, ठीक है, यहाँ से हल हो गया। प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या जो कि वर्ग अंतराल कहलाएगा जो कि लिख दिया गया है। राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या जो कि बारंबारता कहलाता है उसको हम क्या कर लेते हैं, FI से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं, FI से सूचित करते हैं, लिख देते हैं FI जो कि बारंबारता होगा। और चूँकि माध्य भी निकालना है ना, इसीलिए पहले हम टेबल पहले बना लेते हैं, पूरा टेबल को फिनिश कर लेंगे तो हम बहुलक और माध्य निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको बारंबारता हो ही गया है तो वर्ग चिन्ह अब लेंगे। क्या लेंगे, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को XI से सूचित किया जाता है। तो वर्ग चिन्ह हम सीध में ले लेते हैं, वर्ग चिन्ह ले लिए। वर्ग चिन्ह के बाद हम लेंगे DI। क्या लेंगे, DI, DI बराबर होता है XI माइनस A। तो ये भी हम सीध में ले लेते हैं, ठीक है। DI भी ले लिए, अब हम निकाल लेंगे क्या, UI निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, UI। तो UI बराबर होता है DI बट्टा बट्टा में H, ठीक है। तो ये भी निकाल लिए, ये भी लिख लिए, ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम FI और UI, FI इंटू UI, ये इंटू का चिन्ह है बीच में, FI ठीक से लिख देते हैं, FI इंटू कर लेते हैं UI, ये इतना आपका बनेगा टेबल जो कि हम बना लिए हैं। और एक बार हम लाइनिंग भी कर ही लेते हैं तो आसान रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन को बिल्कुल बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, अगर आप रिवाइज करते हैं तो परीक्षा में आसान तरीका से बन जाता है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर परीक्षा में बनने में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगता है, इसलिए हम चाहेंगे कि पिछले वाले जितने सारे वीडियो
हम बताए हैं क्वेश्चन, उसको आप बार बार देखें और रिवाइज करें, ठीक है। चलिए तैयार हो गया। अब एक्स आई में क्या करते, एक्स आई जो कि वर्ग चिन्ह है, और वर्ग चिन्ह में, वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के दो से भाग देते हैं, तो वही एक्स आई होता है, यानी मध्य बिंदु हो गया। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु मतलब कि दो बराबर भागों में बांट दीजिए, ठीक है, तो वही हो जाएगा एक्स आई। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल से देखिए, 15 है यहाँ, 15 से 20 है, 20 कितना ज़्यादा ले लिए, 20 है, 5 ज़्यादा है, ये इससे 5 ज़्यादा है, तो 5 में क्या करेगा, आधा को बांटेगा इधर देगा, तो 2.5 यहाँ देगा, तो क्या हो जाएगा 17.5, तब ये भी हो जाएगा 17.5। यानी और प्रत्येक में देखते हैं कि वर्ग अंतराल का अंतराल 5 ही है, तो अढ़ाई अढ़ाई 2.5 2.5 2.5 जोड़ लेते हैं तो आपका एक्स आई तैयार हो जाता है, ठीक है। वही कर लेते हैं, देखिए 15 है, 2.5 को जोड़ेंगे तो 15 2 17 17.5, 20 है तो कितना हो जाएगा 22.5, 2.5 जोड़े, 25 है 2.5 जोड़िए तो हो जाएगा 27.5, 30 है 2.5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 32.5, ठीक है, 35 है 2.5 जोड़िए तो 35 2 37.5 हो जाएगा, 40 तो क्या हो जाएगा 42.5, और 45 तो 45 2 47 हो जाएगा 47.5 हो जाएगा, और 50 है तो 52.5 हो जाएगा। तो ये आपका एक्स आई तैयार है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर जो एफ है ये भी लिख ही लेते हैं, सिग्मा एफ आई इसको सबको जोड़ेंगे ना तो आपको आ जाएगा 35। वैसे देख लीजिए 8 3 11 11 20 10 30 30 3 33 2 35 35 आ गया आपका। सिग्मा मतलब होता है जोड़, किसका जोड़, एफ आई का जोड़, 35 निकल गया, वर्ग चिन्ह तैयार है। अब इसमें देखिए यहाँ पर गौर करिए, एक बात ऐसा कर लेते हैं, इसको हम मिला लेते हैं, ठीक है, मिला लेने में ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। आसान हो जाएगा ये सवाल, बिल्कुल आसान है, और अगर आप सही तरीका से बनाते हैं तो, कैलकुलेशन सही तरीका से करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए का क्या है, यहाँ पर जहाँ ए बराबर इसमें से एक्स आई में से बीच का कोई ले लेंगे, बीच का कोई ले लेंगे, तो हम ले लेते इसमें ले लेते 32.5 को ले सकते, इसको ले लिए। अब देखिए आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच का लेना है कोई ले सकते हैं, मैं कुछ आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, तो बीच का लेकिन लेना है, बीच से ले लेते हैं, ये नहीं किनारे वाला ले लेना है, बीच से ले लेना, ठीक है। और ए का चुनाव हम कर लिए तो कितना लिख, यहाँ पर लिख देंगे 32.5। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक्स आई यहाँ पर देखिए क्या दिया, डी आई बराबर दिया एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई आपका ये है, ये यहाँ से लेकर सब एक्स आई है, बारी बारी से यहाँ पर मान रखेंगे और सामने सामने इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे देखिए कैसे होगा, इसके लिए करते हैं तो 17.5 घटा 32.5, ए के जगह पर 32.5 ही रहेगा, तो 17.5 में से 32.5 जाएगा, तो 32.5 का चिन्ह माइनस वाला हो गया, तो इसमें 32.5 में से ही ये घटेगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका 15। फिर देखिए 22.5 घटा 32.5, फिर यही ज़्यादा हो गया, तो 32.5 में से 22.5 को घटाएंगे तो माइनस का 10, 27.5 फिर ये भी छोटा ही है तो इसमें से ही घटाएंगे, 32.5 में से 27.5 को घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 5।
और देखिए 32.5 अब इसके लिए देखिए 32.5 घटा 32.5 यानी कि 0। अब 37.5 में से घटा लीजिए आप 32.5, अब 37.5 बड़ा हो गया ना, तो 37.5 में से 32.5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5। 42.5 में से 32.5 को घटाएंगे, ये ज़्यादा है तो हो जाएगा 10। 47.5 में से 32.5 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 15। और 52.5 में से 32.5 को घटाएंगे, क्योंकि अब इधर ही बड़ा चल रहा है ना, तो हो जाएगा कितना 20। इस प्रकार से आपका डी आई भी तैयार। और देखिए एक्स यू आई कितना आसान है, डी आई बट्टा एच। अब एच देखिए एच का चुनाव करना पड़ेगा, यहाँ पे एच क्या होगा, एच बराबर जहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, जहाँ एच बराबर कितना आएगा, तो एच बराबर क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतराल कितना है, वर्ग लंबाई कितना है, वही एच होता है। तो 20 में से 15 को घटाएंगे तो 5 ही है, तो ये आपका हो गया 5। अब देखिए कितना आसान हो गया, यू आई कितना डी आई बट्टा एच, तो डी आई बगले में है और एच मतलब कि सब में 5 से भाग लगा देना, इसमें भी भाग लगाना है 5 से, 15 में भाग लगाएंगे माइनस 15 तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4। देखिए अब कितना कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, एक दो में भाग गया, ठीक है। इसीलिए पग विचलन विधि का प्रयोग प्रायः किया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन कम से कम करना पड़ता है। हाँ इतना ज़रूर बात कहेंगे कि जिसमें बारंबारता यानी एफ आई और वर्ग चिन्ह एक्स आई का संख्यात्मक मान अगर छोटा रहता है तो डायरेक्ट विधि से भी प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वह सबसे कम आंकड़ा को बनाना पड़ता है, टेबल को बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपका एक्स आई और एफ आई ज़्यादा संख्यात्मक मान बड़ा है तो आप पग विचलन विधि से ही बनाएं, जो कि सबसे आसान कम कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यू आई इंटू एफ आई इंटू यू आई है, मतलब एफ आई देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, एफ आई एफ आई ए और यू आई यहाँ ये और ये अंतिम वाले को गुना करके लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 माइनस का 9, 3 3 9 8 2 9 16 माइनस का 16, 9 में कितना से गुना करेंगे, 9 में 1 से तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9, ठीक है। 10 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 0 में 2 से गुना करेंगे 0, ठीक है, और 0 में फिर 3 से गुना करेंगे 0, और 2 में 4 से गुना करेंगे तो हो गया 8, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ 8 3 11 यहाँ से यहाँ तक आपका आ गया, सोचिए गौर से, प्लस वाला जो हो गया आपका 11 आ गया, कितना आ गया 11 आ गया, माइनस वाला को भी जोड़ लेते हैं कितना होता है, एक जगह कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 9 25 वाह 16 9 25 और 25 35 34 माइनस का 34 आ गया। अब 34 में अब क्या होगा, सिग्मा एफ आई और यू आई बराबर कितना आएगा, ये गौर करना है। तो क्या करेंगे, ये ज़्यादा हो गया ना, माइनस 34 ज़्यादा हो गया और 11 कम गया, तो इसी में से घटाना पड़ेगा, तो चार में से एक जाएगा तो बचेगा 3, और 3 में से फिर एक जाएगा तो बचेगा कितना, 2, और चूंकि माइनस में से घटाए हैं तो माइनस का चिन्ह लिख लेंगे। तो इस प्रकार से एक बार देखिए, तो इस प्रकार से एफ आई तैयार, सिग्मा एफ आई यू आई तैयार। माध के लिए भी काम को फिनिश कर लिया गया और बहुलक के लिए अब बाकी है। अब बहुलक के लिए करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इन आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है, पहले बहुलक ज्ञात कर लेंगे। और बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
बारंबारता में देखेंगे, बारंबारता में देखेंगे, एफआई में देखेंगे कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता सबसे अधिक वाला खोजेंगे तो यहाँ पर देखते हैं 10, देखते हैं 10 सबसे ज़्यादा बारंबारता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होता है वो आपको कहलाता है F1। क्या कहलाता है? F1। और इसके ठीक सामने की जो भुजा होगा वो जो आपका कहलाएगा बहुलक वर्ग। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा इसके ठीक सामने का वर्ग अंतराल को चेक करेंगे तो वह होता है बहुलक वर्ग। ये भी बात समझ में आ गया। और इसके अब इसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है तो ये तो F1 हो गया, इसके ठीक ऊपर वाला पहले वाला F0 हो जाता है। यही बात को ध्यान रखना है। और जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसके ठीक नीचे वाला क्या वाला हो जाता है? आपका F2 हो जाता है। और ये भी जान लीजिए कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है वो जो है ये बहुलक वर्ग का लाएगा। और इस बहुलक वर्ग में निम्न सीमा को ही L बोला जाता है। L, ये L आपका L हो जाएगा। ये तो कैसे देखिए आप कर लेते हैं, बातों को कुछ बात को लिखना पड़ेगा। बहुलक निकालने की, बहुलक पहले हम निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि वर्ग, वर्ग कितना, वर्ग 30 से 35, क्योंकि वर्ग 30 से 35 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। अतः बहुलक वर्ग जो बताया गया उसको लिख भी देते हैं, जिससे कि आप लोगों का इम्प्रेशन अच्छा बनेगा, ठीक है। जिस बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग 30 से 35 होगा। जब ये मालूम हो जाता है तो क्या होगा आपका, यहाँ से लिख दे, यहाँ इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन मिला, क्या चीज़, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है तो 30 हो गया, F1 जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक देखिए 10, तो ये लिख दिया गया। F0 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 9, और F2 बराबर देखिए F2 3 है, 3 लिख देंगे। और H बराबर मिला आपको, H बराबर 5 है तो 5 लिख दिए। ये केवल बहुलक वर्ग को खोजने से आपको क्या हो जाता है, बहुलक वर्ग की खोजने से आपको हो जाता है L मालूम हो जाता है, F1 मालूम होता है, F0 मालूम हो जाता है, F2 भी मालूम हो जाता है, ठीक है, और H भी मालूम हो जाता है क्योंकि वर्ग लंबाई ही H कहलाता है। तो ये तो इतना बात लिख दिया गया इन्फॉर्मेशन। और बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक MO, ठीक है, बराबर यहाँ से लिख देते हैं L प्लस F1 घटा F0 बट्टा में 2F1 घटा F0 माइनस F2, F0 माइनस F2 क्या होगा, F अच्छा से लिख देते हैं ठीक तरीका से, बहुलक बराबर यहाँ से लिख देते हैं बहुलक बराबर यहाँ से लिख देते, ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस F1 घटा F0 बट्टा 2F1 घटा F0 घटा F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग जानते भी होंगे। अब इसमें क्या मान रखना है, केवल क्या क्या रखना है, मान रखना है। अब L कितना है, L देखिए कितना है, L आपका है 30 लिख लिए, प्लस F1 देखिए, F1
10 और माइनस का f0 देखिए, f0 9 बाई 2f1, f1 कितना 10 दूना 20, एक बार ही कर लेते हैं 20 माइनस f0 कितना f0 9 और माइनस का f2 कितना 3, इसको ऐसे घेर के और h जो निकाले 5 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है, देखिए एक बार स्पष्ट ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, चलिए यहीं से कर लेते हैं। थर्टी अब प्लस क्या वन आ जाएगा ना, वन 10 में से 9 जाएगा तो 1 इंटू कितना 5 ऊपर में ही रख लेते हैं। अब बाई 20 माइनस कितना 12 रख लिया गया, देखिए यहाँ पर एक बार। अब देखिए यहाँ इस बात को अब यहाँ पर से लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस बना के ये ऐसे करके स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, और इस बात को यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से इसके बाद यहाँ 30 प्लस 5 बाई कितना हो जाएगा 20 में से 12 जाएगा, 20 में से 9 3 12 तो 8 आएगा ना, 9 3 12 तो 8 आएगा, 8 आ जाएगा ठीक है। ये तो ठीक है ना, यहाँ तक स्पष्ट है। कितना हो गया 1 इंटू 5 लिख दिए ऊपर में, और 20 घटा 9 3 12 को एक जगह कर लिए, दोनों माइनस वाला को कर लिए ठीक है, तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 30 अब प्लस 5/8 में भाग देंगे ना, तो आपका आ जाएगा कितना 5/8 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.625। तो कितना हम लिख लेंगे यहाँ पर 30.625, जो कि हम एक ही अंक तक रखेंगे बराबर का 30.6, एक ही अंक तक रखेंगे। यही आपका क्या है, यही आपका बहुलक है, जो कि यही आपका फाइनल आंसर भी है। ये आपका बहुलक है कितना 30.6, कितना है लिख देते हैं 30.6, यही आपका बहुलक है। और अगले वीडियो में हम इसी आंकड़ा से हम माध्य निकालेंगे। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।